नमस्कार दोस्तों, BCD टेक के इस भाग में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, करंटली दिवाली चल रही है और इवन आपको मार्केट में इस टाइप के लाइटिंग के प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। तो फिलहाल दोस्तों, क्या है ये लाइटिंग के प्रोडक्ट और इनके पीछे का जो प्रिंसिपल है वो क्या है, आइए देख लेते हैं। लाइटिंग की बात करें तो करंटली मार्केट में आपको छोटे छोटे बल्ब्स वाली LED या इवन आपके जो इनकैंडेसेंट बल्ब है उसकी बेस आपको लाइटिंग प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। ये एक तरह से झालर के रूप में भी हो सकते हैं या फिर आपके पास एक दिए के ऊपर एक छोटी सी ऐसी लैंप लगा देगी तो उस टाइप के प्रोडक्ट भी हो सकते हैं। और इवन दोस्तों, बहुत सारी फोटोज हैं जिसके ऊपर आप रनिंग LEDs को देख सकते हो। तो करंटली इस टाइप के प्रोडक्ट्स इस त्यौहार के सीजन में आपको मार्केट में मिल ही जाएंगे। जो ये प्रोडक्ट है इनकी जो कीमत है वो काफ़ी कम है और इवन देख सकते हैं कि जो इनकी क्वालिटी है वो भी काफ़ी कमजोर है, इसी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा बिक रही है मार्केट में। 10-10 रुपये की लड़ियाँ हैं, आप भगीरथ प्लेस में जाके खरीद सकते हो और इसके सिवा 30-40 रुपए की आपको इस टाइप की LED वाली भी मिल जाएगी। तो फिलहाल प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट आपका मेड इन चाइना है और इवन यहाँ पर लिखा हुआ भी आ रहा है हैप्पी दिवाली, मतलब दिवाली के लिए स्पेशली इसको डिज़ाइन किया गया है। काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स हैं और इवन इनकी जो क्वालिटी है, हालांकि आज से 4-5 साल पहले जैसे होते थे उसके मुकाबले काफ़ी इम्प्रूव हो चुकी है। जो ये इनकैंडेसेंट बल्ब वाली है ये थोड़ी सी सस्ती पड़ जाती है, जबकि ये जो LED वाली है थोड़ी सी महंगी पड़ती है। तो क्या हम लोग इन LEDs को अपने घर पर बना सकते हैं? हाँ, बना तो सकते हैं, बट जो कॉस्ट आएगी वो ओवरऑल जो ये मिल रही है उसके मुकाबले काफ़ी ज़्यादा होगी। अगर इसमें बल्ब को काउंट किया जाए, वायर्स को काउंट किया जाए, जो कॉस्ट बन के आएगी तो वो काफ़ी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू अगर आप इसको डायरेक्टली मार्केट से ले सकते हो। यहाँ पर दो टेक्नोलॉजीज हैं, देख सकते हो कि एक में आपकी LEDs लग रखी है, सॉलिड स्टेट लाइटिंग है, जबकि दूसरी आपकी इनकैंडेसेंट लाइटिंग है। फिलहाल ये वही बल्ब है जो आप अपने घर पर देखते आ रहे थे बचपन से, गर्म होने के बाद जो टंगस्टन ग्लो करता है उस पर वर्क करते हैं। और फिलहाल ये आपका सॉलिड स्टेट है, मतलब कि एक PN जंक्शन है और PN जंक्शन के क्रॉस अगर आप वोल्टेज लगाओगे तो फिलहाल वो अमिट करना शुरू कर देगा। ये लाइटिंग प्रोडक्ट इससे करीबन काफ़ी महंगा है और फिलहाल इसकी जो लाइफ टाइम है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। ये 5-7 सीजन तक आपका चल जाएगा बगैर किसी दिक्कत के और इवन दोस्तों ये बिजली भी कम खाता है एज़ कम्पेयर टू दिस। तो फिलहाल देखा जाए तो मार्केट में आपको ये दो टेक्नोलॉजीज मिल जाती हैं जिस पर बेसिस आपको लाइटिंग प्रोडक्ट मिल जाएंगे। और फिलहाल ये आप पर डिपेंड करता है, आपके बजट पर डिपेंड करता है, आपके एरिया पर डिपेंड करता है कि आप इनमें से कौन सा प्रोडक्ट लेना चाहते हो। तो दोस्तों, ये रहे कुछ लाइटिंग प्रोडक्ट्स जो कि आपको करंटली इंडियन मार्केट्स में देखने को मिल जाएंगे। आइए एक बार इन लाइटिंग प्रोडक्ट की टेक्नोलॉजी के बारे में देख लेते हैं, इनको कंस्ट्रक्ट कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों कंस्ट्रक्शन सिंपल है, बहुत ही सिंपलेस्ट रखी जाती है। अगर ये लाइटिंग आपकी जल बुझ नहीं रही है, मतलब कि कोई सीक्वेंस में जल बुझ नहीं रही, तो फिलहाल क्या होगा, आपकी 220 इस पर आएगी और ये डायरेक्ट यहाँ पर कंट्रोलर है जो कि 12 वोल्ट में कन्वर्ट कर देगा। ये भी दोस्तों यहाँ पर जो भी लिखा है, हालांकि इस डाटा पर मत जाइए क्योंकि ये सीरीज में लगी हुई है तो सीरीज में कन्वर्जन की जरूरत नहीं है। तो ये जो LEDs लग रखी हैं ये सारी सीरीज में लग रखी हैं और फिलहाल ये सिर्फ एक ही वायर के अक्रॉस लग रखी हैं, मतलब कि अगर आप आगे खोलते चले जाओगे तो इसी लाइन के अक्रॉस यहाँ पर LED लग रखी है। जबकि दोस्तों ये सपोर्टिंग है, मतलब कि जब खत्म हो जाएगी लड़ी तो वहाँ से रिवर्स बैक करने के लिए आपको दूसरी वायर दे रखी है। एक रेक्टिफायर लगा हुआ है जो कि आपकी AC को कन्वर्ट कर रहा है DC में। तो फिलहाल इसके सिवाय दोस्तों कुछ नहीं है। तो देखो तो कितनी सस्ती टेक्नोलॉजी है और इवन दोस्तों यहाँ पर अगर प्लग की बात की जाए तो कितना चीप क्वालिटी का ये प्लग बनाया गया है। और फिलहाल देखा जाए जो ये LEDs है, मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। दोस्तों ये है इस LED का डाइसेक्शन, देख सकते हो कि LED के दो टर्मिनल्स हैं और बीच में स्पेसर लगा रखा ताकि ये जो इसके टर्मिनल्स हैं आपस में शॉर्ट ना हो। और फिलहाल LED के प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर एक रजिस्टर लगा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर ये रजिस्टर लगा हुआ है आपका 3 किलो ओम का। आइए दोस्तों एक बार देख लेते हैं इस LED के टर्मिनल के अक्रॉस कितनी वोल्टेज आ रही है। तो फिलहाल इसके अक्रॉस है करीबन 20 वोल्ट, और जबकि दोस्तों रजिस्टर के बाद अगर देखा जाए तो जो वोल्टेज है वो है करीबन 2.6 वोल्ट। तो फिलहाल ये डिपेंड करता है जिस कॉन्फ़िगरेशन के आप यहाँ पर LED को बनाते हो। तो फिलहाल इस टेक्नोलॉजी को यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करने के लिए मुझे जितनी यहाँ पर LED बल्ब को लेना पड़ेगा उतने दोस्तों यहाँ पर इस रजिस्टर को भी लेना पड़ेगा 3 किलो ओम के, और स्पेसर लेना पड़ेगा और श्रिंकेज ट्यूब लेनी पड़ेगी, और साथ में ये LED तो रहेगी रहेगी और ये इस टाइप की पतली पतली वायर्स भी लेनी पड़ेगी। इस टाइप से हम लोग इस लड़ियों को यहाँ पर कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। छोटे लेवल पर दोस्तों प्रोडक्ट की कीमत है महंगी हो सकती है, बट फाइनली अगर काफ़ी बड़े लेवल पर इसका बिजनेस स्टार्ट किया जाए तो काफ़ी ग्रोइंग बिजनेस है। स्पेशली देखा जाए इस दिवाली के सीजन में काफ़ी बिकती हैं। तो फिलहाल ये तो हो गया इस LED की कंस्ट्रक्शन। आइए दूसरी LED को देख लेते हैं। तो दूसरी LED दोस्तों देख सकते हैं कि इस टाइप की रैपिंग में आ रखी है। अगेन दोस्तों यहाँ पर एक श्रिंकेज ट्यूब ले रखी है, स्पेसर डाल रखा है और इस केस में यहाँ पर है बल्ब। यहाँ पर जो ग्लास है उसको यहाँ पर कलर कर दिया गया और इसी वजह से यहाँ पर जो उसका कलर आ रहा है वो ब्लू आ रहा है, और इस केस में दोस्तों कोई भी यहाँ पर
कलरिंग नहीं हो रखी है ग्लास के ऊपर, और इसी कारण से इसका जो कलर आ रहा है वो येलो आ रहा है। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर हम लोग कलर्स को फैब्रिकेट कर सकते हैं, जबकि एलईडीज में जो कलर है वो एलईडी के यहाँ पर कंस्ट्रक्शन पर डिपेंड करता है, और फिलहाल जो हम लोग यहाँ पर मार्केट से प्रिक्योर करेंगे उसी पर ये डिपेंड करेगा। जबकि यहाँ पर हम लोग इसको खुद फैब्रिकेट कर सकते हैं, मतलब कि एक इंडिकेंडेसेंट बल्ब वाली इंडस्ट्री हम लोग खुद बना के इसको फैब्रिकेट कर सकते हैं। बट दोस्तों यहाँ पर अगेन वही चीज आती है, कंपटीशन किसको देना है, चाइनीज प्रोडक्ट को, तो फिलहाल थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, बट कोशिश करेंगे तो यहाँ पर हो सकता है। तो दोस्तों ये रही इन लाइटिंग प्रोडक्ट्स की यहाँ पर कंस्ट्रक्शन, कोशिश की जाए तो हम लोग इसको बना सकते हैं, काफ़ी बड़े लेवल पर भी बना सकते हैं, और इवन हम लोग यहाँ पर चाइनीज़ प्रोडक्ट को कंपटीशन भी दे सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ मैं अब इस वीडियो एपिसोड को यहीं पर समाप्त करने जा रहा हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।